Good evening, everybody. Welcome back to my channel, lalbahadurthapa. मैं आज का टॉपिक डिस्कस करता हूँ, गुड प्रैक्टिस. गुड प्रैक्टिस क्या है, मैं डिस्कस करूँगा आज से. नंबर में नंबर वन आता है आपको मेंटेन द मैनेजमेंट सिस्टम. आप कहीं भी काम करते हैं, उसके बाद उस मैनेजमेंट का सिस्टम में आपको रहना पड़ता है, या फिर या हम लोग जो भी काम करते हैं उस मैनेजमेंट का सिस्टम, रूल रेगुलेशंस काम करना एक गुड प्रैक्टिस है. गुड प्रैक्टिस इसको करते हैं. उसके बाद मैं ऐसे 10 पॉइंट आपसे डिस्कस करूँगा कि हर इंसान को गुड प्रैक्टिस करना चाहिए. नंबर एक में, नंबर टू आपको बताता हूँ, हैंड वॉश. ये गुड प्रैक्टिस है. क्लीनिंग एनीथिंग इज द थ्रो बीन. गुड प्रैक्टिस क्या है कि हैंड वॉश एक गुड प्रैक्टिस है आपके लिए, इंसान के लिए, ईच ऑन एवरीबॉडी के लिए. उसके बाद आपको आता है कि जैसे क्लीनिंग कुछ भी यूज़ करते हैं, जो अनवांटेड चीज़ है वो डस्टबिन में फेंकना एक गुड प्रैक्टिस है. कोई कोई स्टाफ लोग या अगर कोई भी कुछ भी किधर भी डस्टबिन डस्ट जो भी हो एक्सपोजेड इधर उधर थ्रो करते हैं, राइट प्रोसीजर में नहीं थ्रो नहीं करते हैं. ये क्या बैड प्रैक्टिस. गुड प्रैक्टिस है राइट ट्रैक में, राइट प्रोसीजर में थ्रो करना, ये गुड प्रैक्टिस है. उसका बाद टू में यूजिंग टॉयलेट. टॉयलेट करने बाद हैंड वॉश करना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है टॉयलेट यूज करने के बाद. उसका बात आता है आपको स्मोकिंग. बहुत सा इंसान है जो स्मोकिंग भी करता है, सो स्मोकिंग करने के बाद तंबाकू लेते हैं, स्मोकिंग करने के बाद तंबाकू खाने के बाद प्रॉपर हैंड वॉश नहीं करते. हैंड वॉश करिए, उसके बाद जो भी आपका कुछ भी आपका वर्क रहता है उसके बाद करिए. ये गुड प्रैक्टिस है, गुड प्रैक्टिस है. बैड प्रैक्टिस क्या है कि तंबाकू लिए, जो भी एक्सपोजर किए उसके बाद हैंड वॉश नहीं किए, ये बैड प्रैक्टिस है. हमेशा आपको गुड प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. उसके बाद आपको मैं फूड मान के चलिए, हर इंसान फूड लेते हैं. तो फूड लेने के बाद आपको क्या है कि फूड खाते 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 या तो कुछ थ्रो कर देते हैं या कुछ नहीं खा पाते. ये क्या है, बैड प्रैक्टिस है. गुड प्रैक्टिस क्या है कि जितना आप फूड लेते हैं उतना आपको खाना चाहिए, गुड प्रैक्टिस है. उसके बाद आता है कि स्नेजिंग या आछू जब करते हैं कोई भी प्लेस में या कोई भी किधर भी,
कि आपको पब्लिक प्लेस से, पब्लिक नज़दीक पब्लिक से थोड़ा डिस्टेंसिंग स्नैचिंग करना एक गुड प्रैक्टिस है, एक गुड। जैसे उसको बताता आपको, आप बीमार कस्टमर को आप हैंडल कर रहे हैं, हैंडलिंग करते हैं बीमार कस्टमर को, या तो कोई गेस्ट को, कोई भी जो भी एक्सपेजेंट, उसको हैंडल करते हैं, उसको बता आप हैंड वॉश नहीं करते हैं, उसका प्रॉपर जो जो प्रोसीजर है वो मेंटेन नहीं करते, ये बैड प्रैक्टिस है। जो भी करना चाहिए गुड प्रैक्टिस करना चाहिए, हैंड वॉशिंग करना चाहिए, जो भी एक्सपेजेंट आपको राइट प्रोसीजर है वो फॉलो करना चाहिए, ये गुड प्रैक्टिस है। उसके बाद ऑलवेज टेकिंग शावर, आपको हमेशा नहाना धोना, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना, साफ सुथरा कपड़ा पहनना, ये क्या है, गुड प्रैक्टिस है, गुड प्रैक्टिस है। राइट टाइम में उठना, राइट टाइम में सोना, राइट टाइम में खेलना, राइट टाइम में मार्केट जाना, राइट टाइम में मॉल में जाना, ये गुड प्रैक्टिस है। कोई कोई लोग देखते हैं आपको कि संडे का, मंडे टू फ्राइडे ऑफिस में जाते हैं, तो उनका जो भी टाइम टेबल है सोने का, उठने का, उनका जो जो काम का शेड्यूल है वो राइट टाइम में करते हैं, मंडे टू सैटरडे। संडे क्या है, उनका काम डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, बैड प्रैक्टिस है, बैड प्रैक्टिस है, गुड प्रैक्टिस रहना चाहिए। उसका बाद आपको जो जो भी वेस्टेज चीज या घर में या तो कहीं भी जो लोग डिफ्यूज करते हैं, रिफ्यूज करते हैं, फूड, उसका बाद जो वेस्टेज चीज जो हैंडलर है, हैंडल करने के बाद आपको हैंड वॉश करना, उसका बाद जो जो राइट वॉश जो भी जैसे क्लीनिंग करते हैं, क्लीन करने के बाद आपको क्लीन करने के टाइम में हैंड ग्लोव्स लगाना, ये क्या आपका गुड प्रैक्टिस है। उसके बाद काम होने के बाद हैंड वॉश करना, ये क्या गुड प्रैक्टिस है। जैसे मान के चलिए आपका बच्चा सब पढ़ाई लिखाई ख़त्म हो गया, उसके बाद कुछ देर के लिए आपको खेलना छोड़ देते हैं, बाहर में खेलने जाते हैं, या तो घर में या छत में टेरेस में खेलने जाते हैं, तो उसके बाद उस खेलने के बाद टाइम ख़त्म होने के बाद आपको बच्चा क्या है नीचे आ जाता है, नीचे आने के बाद आपको घर में आ जाते हैं, घर में आ जाने के बाद आपको जो भी हो क्लॉथ चेंज करना चाहिए, ड्रेस चेंज करना चाहिए, उसके बाद माउथ हाथ जो भी हो वो साफ सुफ करना, सफाई करना, उसके बाद हाथ धोना, उसके बाद ये क्या है गुड प्रैक्टिस है, यही है गुड प्रैक्टिस। छोटी छोटी चीज़ है लेकिन यही गुड प्रैक्टिस। उसके बाद आते हैं आपको, जैसे खाना खाते समय एग्जांपल के मैं बोल रहा हूँ, जैसे इंसान खाना खाने समय खाना इधर उधर छिड़क जाता है, साफ सुफ करके ठीक ठाक फ्रेश में नहीं खाते, क्या बैड प्रैक्टिस। गुड प्रैक्टिस करना चाहिए हमेशा, हर चीज़ ऑल टाइम मेंटेन करना है, गुड प्रैक्टिस है। ओके यार, मेरा इतना ही थोड़ा टिप्स था गुड प्रैक्टिस का। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ।